Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. उपचुनाव की घोषणा के बाद में 5 तारीख को चुनाव है, आइए हम बात करते हैं सांसद है सीकर से, किस तरह से देखते हैं किस मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाएगा। चार साल की कांग्रेस की सरकार की विफलता है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, दलितों के महिलाओं के प्रति प्रताड़ित करना, महिलाओं के साथ में महिलाओं के साथ बलात्कार होना, और जो घोषणाएं की थी उन्होंने, जैसे किसानों के कर्जे माफी की घोषणा थी, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वो सारे के सारे फ्लॉप रहे। तो कांग्रेस के चार साल के कुशासन असफलता इसको लेकर के, और वसुंधरा के सरकार के समय में हमारी सरकार की उपलब्धियाँ और केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के क्षेत्र में जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि भारतीय की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी 100% जीत होगी, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लोग इतने नाराज हैं अशोक गहलोत से जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। नहीं तो ये आज राहुल गांधी की रूट को बदलने की बात क्यों कर ले, राहुल गांधी को प्रदेश में घुसना मुश्किल हो गया है, ऐसी स्थिति है। तो जिनके बॉस जो हैं लीडर हैं उनको प्रदेश में घुसना मुश्किल हो जाएगा, इनको कौन वोट देगा। सर ये डोटासरा जी जो आपके जिले से आते हैं उन्होंने कहा कि जो ट्वीट करके कहा कि हमारी जीत निश्चित है, और वहीं भाजपा के जो जिला अध्यक्ष सतीश जी पुनिया उन्होंने उपचुनाव को जीत के लिए कांग्रेस की ही बताया, तो किस तरह से देखते हैं क्या है। नहीं नहीं कब कहा है कांग्रेस की जीत के लिए हमारे सतीश जी ने, कौन कहता है, झूठी प्रचार करते हैं। और इनका काम तो उनको चुनाव लड़ना थोड़ा ही, अभी एक एग्जाम में और पर्चा लीक हो गया, तो पर्चा लीक करने वाली सरकार है, लीक में क्या हुआ, प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये या तो पर्चा लीक कर देते हैं ताकि नौकरी नहीं लगानी पड़े, साल के अंत में जाकर के कहते हैं हम लोगों को रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो डोटासरा जी तो फेंकता है और उसके फेंकने से कुछ नहीं बन पाएगा, आपको जितने भी मिल जाएगा उसमें बात बनी जी हमारे टिकट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ चुनाव लड़े थे, और उसके बाद में बीच में जिस प्रकार से भाजपा की खिलाफत करने लगे, लोग पहचान गए हैं, अगर वो अपना उम्मीदवार भी उतारते हैं जमानत नहीं बच पाएगी, इसमें उसकी समझदारी यही है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, बाकी हमें उसके कैंडिडेट से कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार शहर में जाट बहुल एरिया है, जाटों की शादी है, वो मुस्लिमों की शादी करता है, जाटों ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने हमारी अपेक्षा की, हमें सत्य उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो क्या देखते हैं कि आज उन्होंने निर्णय लिया है कि 11 लोगों को चाहिए, तो क्या उन्होंने बनाने का भी कोशिश की है। हमेशा भाजपा के साथ में रही, और ऐसी बात नहीं है कि भाई जाट भाजपा से नाराज है, कभी कभी थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, बैठ करके उनसे बातचीत करेंगे, जाट बहुत ही समझदार कौन है, काफ़ी सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। उपेक्षा की बात जहाँ तक है, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जा रहे हैं, जाटों को खूब महत्व दिया गया है, पार्टी ने जाटों को बहुत कुछ दिया है, इसलिए कभी भी इसमें सोचना चाहिए कि जाटों उपेक्षा की है, लोकल सीट के समीकरण देखे जाते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से कौन है, पिताजी पहले MLA रहे हैं, सारा कुछ है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, जाट जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। सर अंतिम प्रश्न है, 2 पर निकाल दे तो अभी तक बीजेपी ने यहाँ पे जीत आज नहीं है, तो क्या लगता है कि इस बार ये क्या माहौल है? यहाँ 2 बार में ठीक है कि भाई पार्टी भी जीत पाई, लेकिन इस बार जो उपचुनाव है इसमें पीछे का सारा बदला जनता लेगी, क्योंकि तो कांग्रेस झूठ बोल करके आई है, पिछले बार भी जिस प्रकार के नारे दिए, लोग गांव में भावुक लोग होते हैं, भावुकता में बैठ गए कि भाई हमारे कर्ज माफ हो जाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, अब वो उसका बदला लेंगे। मैं आपसे युवाओं में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, उस सारे आक्रोश के परिणाम कांग्रेस को देखने पड़ेंगे। मैं बहुत सारी पार्टी आश्वस्त है, आश्वस्त होने के कारण ही पार्टी ने टिकट दिया, तो मैं कहता हूँ कि अच्छी वोटों से जीती। ये थे भाजपा की जीत के ऊपर।